नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और कल के वीडियो में जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए कोशिश करूंगा हीरो एक्सट्रीम 160 आर 4 वी मॉडल का सिंगल एडमिन सिटी माइलेसेस के लिए। और कल ही माइलेसेस के बाद जब मैं शोरूम में बाइक देने गया था तो वहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे एक बाइक फिर से दे दीजिए सिटी माइलेसेस के लिए। तो आज बाइक आपके सामने खड़ा है और ये मॉडल है एक्सट्रीम 160 आर 4 वी का स्टैंडर्ड कनेक्ट एडिशन। और इसके ऊपर मिलता है एक प्रीमियम मॉडल जो आपने कल माइलेसेस में देखा था। तो इस बाइक का मैं माइलेज पहले ही करके आ चुका हूँ सिंगल राइड में सिटी के अंदर। आज मुझे इस बाइक में बहुत ही अच्छा माइलेज मिला है। और आज के वीडियो में आज माइलेज के साथ मेरा एक छोटा सा राइड रिव्यू भी देख पाओगे, क्योंकि कल मैंने इस बाइक को हाईवे में राइड किया था और आज मैंने इस बाइक को सिटी में राइड किया है, तो एक छोटा सा राइड रिव्यू तो बनता ही है। तो चलिए चलते हैं माइलेज पर। तो फाइनली दोस्तों, बाइक के फ्यूल टैंक में जितना ही पेट्रोल था लगता हो ख़त्म हो चुका है। आपको दिखाने के लिए मैं इसमें दो बार सेल्फ ले रहा हूँ, एक बार और ट्राई करते हैं। आप देख रहे हैं बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो आइए इसमें माइलेज टेस्ट के लिए पेट्रोल डालते हैं। दोस्तों आप सभी ने देखा बाइक के फ्यूल टैंक में पेट्रोल खत्म हो चुका है और आज हमारे सामने है हीरो एक्सट्रीम 160 आर 4 वी मॉडल। और मैं करने वाला हूँ आज इस बाइक का 250 ml पेट्रोल में सिटी माइलेज टेस्ट। और दूसरी बॉटल में करीब हाफ लीटर से ज़्यादा पेट्रोल है, इसे आप देख लीजिए। माइलेज टेस्ट के बाद मैं आपको ये बॉटल फिर से दिखाऊंगा। और पेट्रोल डालने से पहले आपको एक बार बाइक स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ, एक बार और ट्राई करते हैं। आप देख रहे हैं बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है और अभी इस बाइक के ऑडोमीटर में रीडिंग है 0, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू बाइक है और मैं इसके स्पीडोमीटर का वायर ओपन करके निकला था। और इसके ट्रिप ए और ट्रिप बी दोनों का मैंने 0.0 पे कर दिया है। तो आइए इसमें माइलेज टेस्ट के लिए पेट्रोल डालते हैं। तो अभी बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है, मैं इसे मेन स्टैंड से उतारूंगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए चलते हैं सिंगल राइड में सिटी में 50-55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में राइड करेंगे और देखेंगे हमें आज इस बाइक में कितना माइलेज मिलता है। अब एक बार स्टार्ट करते हैं। तो आपने देखा बाइक स्टार्ट हो गया है, तो आइए चलते हैं माइलेज टेस्ट पर। तो फाइनली दोस्तों, हमने जो इसमें माइलेज के लिए पेट्रोल डाला था वो ख़त्म हो चुका है और आपको दिखाने के लिए मैं इसमें दो बार सेल्फ ले रहा हूँ, एक बार और ट्राई करते हैं। तो आप देख रहे हैं बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो अभी आप दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं इसके ऑडोमीटर में रीडिंग है 11, जब हम निकले थे तब रीडिंग था 0। और इसके ट्रिप ए में रीडिंग है 10.7 और ट्रिप बी में भी रीडिंग है 10.7। और ये रहा दोस्तों वो हाफ लीटर से थोड़ा ज़्यादा पेट्रोल जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में दिखाया था। और आप देख रहे हैं इसमें पेट्रोल उतना ही है जितना पहले था। और अब मैं इस पेट्रोल को डाल देता हूँ रिटर्न जाने के लिए। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने दोस्तों मुझे काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट किया था कि इस बाइक का एक सिटी माइलेज कर दीजिए। तो फाइनली आपने आज इस वीडियो में देख लिया 2024 मॉडल एक्सट्रीम 160 आर 4 वी मॉडल का सिंगल एडमिन सिटी माइलेज, जिसे मैंने अपने जमशेदपुर सिटी के अंदर माइलेज किया।
वीडियो को अगर आपने स्किप नहीं किया होगा तो आपने देखा कि आज मैंने इस बाइक का माइलेज टेस्ट 250 ml पेट्रोल में किया था। आप में से काफ़ी सारे लोग बोलेंगे आपने हाफ लीटर में नहीं किया, 1 लीटर में नहीं किया, तो आपको बताना चाहूँगा कि ये मैंने बहुत रिक्वेस्ट के बाद मुझे ये बाइक मिला आप लोगों के लिए माइलेज टेस्ट के लिए, इसलिए मैंने इस बाइक का माइलेज टेस्ट 250 ml पेट्रोल में किया था, क्योंकि ये बाइक टेस्ट राइड बाइक दोस्तों नहीं है। और जब माइलेज टेस्ट के लिए निकल रहे थे तब आपने देखा कि इस बाइक के ऑडोमीटर में रीडिंग था 0 और ट्रिप ए और बी भी 0.0 पे था। और माइलेज टेस्ट करते वक्त जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था कि मैं स्पीड सिटी के अंदर जहां सड़कें खाली होगी वहां पे 50-55 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में राइड करूंगा और ट्रैफिक में स्पीड देखने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने कोशिश किया कि हमारे सिटी में जहां भी ट्रैफिक रहता है वहां पे मैंने आज इस बाइक को राइड किया है। और माइलेज टेस्ट करते वक्त जब इस बाइक के फ्यूल टैंक में पेट्रोल खत्म हुआ तब आपने देखा इसके ऑडोमीटर में रीडिंग था 11 और ट्रिप में रीडिंग था 10.7, मतलब कि ये बाइक सिंगल राइड में, मेरा वेट है 70 kg, सिटी के अंदर 50-55 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में 10.7 किलोमीटर चला। तो अगर मैं इसे इनटू 4 करता हूँ तो आज हमें इस बिल्कुल न्यू बाइक में 1 लीटर में माइलेज मिला है 42.8 kmpl का, जो देखा जाए तो बिल्कुल न्यू बाइक के हिसाब से काफ़ी अच्छा माइलेज है। और आपने देखा कि मैंने माइलेज टेस्ट 250 ml पेट्रोल में किया था। तो अगर मैं आज इस बाइक का माइलेज टेस्ट 1 लीटर में करता तो आज मुझे अपने जमशेदपुर सिटी के अंदर इस बाइक में बहुत ही आराम से 45+ का माइलेज देखने को मिलता। तो आप सबसे मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है तब हो सकता है आपको इस बाइक में, बिल्कुल न्यू बाइक में, करीब 40 kmpl तक का माइलेज देखने को मिलेगा। और ट्रैफिक कम रहता है तो आप मान के चलिए कि आपको बहुत ही आराम से इस बाइक में 42-45 तक का माइलेज देखने को भी मिल सकता है। और हो सकता है अगर आप इस बाइक को और भी सही तरीके से राइड करते हैं, आराम से चलाते हैं और बाइक को काफ़ी अच्छा मेंटेन करके रखते हैं तो इस बाइक में आपको 45+ मतलब करीब 50 तक का भी माइलेज देखने को मिलता है। अगर आपके पास एक्सट्रीम 160R4V है और आप पहले इस बाइक को ले चुके हैं और आपने अपने बाइक में माइलेज टेस्ट किया है तो आपके बाइक में आपको कितना माइलेज मिल रहा है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जी इस बाइक को जो लेना चाहते हैं उन्हें काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं कि जिन्होंने इस बाइक को लिया उन्हें कितना माइलेज मिल रहा है। और जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था कि मैं इस बाइक का पहले एक हाईवे माइलेज टेस्ट कर चुका हूँ और आज मैंने इसे सिटी में राइड किया। तो आइए जल्दी से एक छोटा सा राइडिंग एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आइए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के इंजन की। आप सभी जानते हैं कि इस बाइक में आपको 163.2 cc का 4-stroke 4-valve सिंगल सिलेंडर एयर एंड ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है, जिसमें आपको मैक्सिमम पावर 16.9 PS का पावर और मैक्सिमम टॉर्क 14.6 Nm का टॉर्क मिलता है, जिसे बाइक में राइड करते समय आपको इस बाइक में बहुत ही अच्छा पिकअप मिलता है। साथ ही राइड करते समय आपको इस बाइक के इंजन काफ़ी साइलेंट और स्मूथ भी महसूस होगा। और इस बाइक के ट्रांसमिशन में आप सभी को जानकारी है कि आपको इस बाइक में 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, जिसके साथ इसके फ्यूल सप्लाई सिस्टम में फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। और बाइक के स्टार्टिंग में आपको सेल्फ स्टार्ट मिलता है, बाइक में आपको किक स्टार्ट नहीं मिलता है। और बाइक को राइड करते समय जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों इस बाइक में आपको बहुत ही अच्छा सिटिंग पोस्चर मिलता है। और बात करें इस बाइक के हैंडल बार के वाइब्रेशन की, तो जैसा कि आपने देखा आज मैंने इस बाइक को इको स्पीड में राइड किया और कल मैंने इस बाइक को हाईवे में 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पर राइड किया था। इस स्पीड में आपको हैंडल बार में बिल्कुल भी वाइब्रेशन महसूस नहीं होगा। इससे पहले मैं इस बाइक को हाई स्पीड में राइड कर चुका हूं और मेरा मानना है कि आपको इस बाइक के हैंडल बार में 9500 किलोमीटर पर आवर के स्पीड को अगर आप क्रॉस करेंगे तब जाके इस बाइक के हैंडल बार में आपको बहुत ही हल्का सा वाइब्रेशन महसूस होगा। और इस बाइक के सीट पर ध्यान दें तो आप देखेंगे इस बाइक में आपको काफ़ी स्पोर्टी सा सिंगल पीस में स्टेप अप सीट मिलता है। और राइड करते समय आपको बाइक सिटी और हाईवे दोनों में इस बाइक का सीट बहुत ही कंफर्टेबल महसूस होगा। इस बाइक में आपको सिंगल पीस में सीट मिलता है, मगर आप इसका जो प्रीमियम वाला मॉडल लेते हैं प्रो मॉडल उसमें आपको 2-piece में स्टेप अप सीट मिलता है, जो देखने में और भी ज़्यादा स्पोर्टी नज़र आता है। मगर इस सीट में ज़रूरत पड़ने पे आप अपने फीमेल पर्सन को, घर के कोई भी अगर हैं तो उन्हें बैठा भी सकते हैं, उस बाइक के सीट में थोड़ा बैठाना मुश्किल होगा। और बात करें इस बाइक के सस्पेंशन और ब्रेक की, तो आप देख रहे हैं फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोर्क और रियर में आपको 7-step एडजस्टेबल स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन मिलता है, जिसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और हाईवे और आज सिटी दोनों में राइड करते समय मुझे बाइक का सस्पेंशन काफ़ी बेहतर महसूस हो रहा था। और इस बाइक के ब्रेक में अभी तक आपको सिंगल चैनल ABS के साथ इसके फ्रंट में 276 mm का पेट्रोल डिस्क और रियर में 220 mm का पेट्रोल डिस्क मिलता है। और कल मैंने हाईवे में ब्रेक लगा के टेस्ट भी किया था और मैंने देखा कि इस बाइक में जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो काफ़ी अच्छी तरह काम करता है। तो इस बाइक के फीचर्स के बारे में आप सभी को जानकारी है, तो बस आप सबसे इतना बोलना चाहूँगा कि अगर आप 150 या 160 cc में कोई बाइक लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं वो बाइक देखने में काफ़ी एग्रेसिव, काफ़ी मस्कुलर और काफ़ी स्पोर्टी लुक में मिले और आप उस बाइक को लेकर डेली यूज़ कर सके, दोस्तों के साथ घूमना चाहते हैं या फिर लॉन्ग राइड पे जाना चाहते हैं, तो आपके लिए हीरो एक्सट्रीम 164V काफ़ी बेहतर रहेगा दोस्तों। और आपको बताना चाहूँगा कि बाइक में आपको 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस भी मिलता है, तो थोड़े बहुत कच्चे रास्तों पर या ऑफ रोडिंग भी करना पड़ जाए तो आप इस बाइक को वहाँ पर भी बहुत ही आराम से राइड कर पाएंगे। तो अगर आप इस बाइक का टेस्ट राइड या फिर इसे परचेज करना चाहते हैं अच्छे ऑफर में, तो आप यूनियन बाइक्स हीरो में आ सकते हैं। शोरूम का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है।
साथ ही मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में कर दीजिएगा ताकि इसी तरह के और नए वीडियो आप तक पहुंच सके। और इस बाइक का हमारे जमशेदपुर का ऑन रोड प्राइस आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, प्लीज़ उसे देख लें। और बाइक के बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं।